যে আমি নাকি আমার জাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তো আমি একা ভোগ করব বলে আমার মানে বিশ্বাস করে এই কমেন্টগুলো খারাপ লেগেছে আমার। তোমরা সবাই বলেছো যে আমি নাকি ব্যবসা করছি ইউটিউব করে, তো আমার মতো সিম্প্যাথি নিয়ে চ্যানেলটা চলছে। সিম্প্যাথি নিয়ে চ্যানেল আমি চালাচ্ছি না। যখন কলকাতা ক্যানভাস আমার বাড়িতে এসেছিল তখন কিন্তু তারাও বলে গেছে যে কোনো সিম্প্যাথি নিয়ে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে না। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन मुझे मजबूरन कुछ लोगों की वजह से जो है ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं आज जो जिस बारे में बात करने वाली हूँ, एक चैनल है माय सिंपल लाइफस्टाइल, उनके दो चैनल हैं, वो ब्लॉग्स शेयर करती हैं, जिनका नाम कोनिका है, जो मेन इस चैनल को चला रही हैं। पिछले 1.5 साल पौने 2 साल पुराना उनका ये चैनल होगा, और मैं आई थिंक जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ वीडियोस को छोड़ के जो है इनिशियली मैं उनको शुरू से जो है फॉलो कर रही हूँ। उनकी छोटी सी एक सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। शी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था, 3 वीक्स पहले शी अपलोडेड अ वीडियो ऑन हर चैनल। वो कुछ कमेंट्स को लेके बात कर रही थी कि कुछ लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा अटपटे से, गंदे से, वाहियात शब्द ठीक होगा, उनको कमेंट किए। मैंने वो ब्लॉग देखा, और जब वो ये सब कमेंट बोल रही थी, पढ़ रही थी, तो उनकी आंखों में वो आंसू देखे, मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि जब आप किसी एक चैनल को, एक यूट्यूबर को जो आप एक फॉलो करने लगते हो, उनके सब्सक्राइबर बन जाते हो, ब्लॉग्स देखते हो, या किसी भी तरीके की उनकी वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को, सब लोगों को जो है एक कनेक्शन सा फील होता है। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ होता होगा, मुझे होता है। तो मैं उनको 1.5 साल से जो है एज अ सब्सक्राइबर सिर्फ जानती हूँ, उनके सारे ब्लॉग्स में देख रही हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो लाइफ है, उनके लाइफ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, चीज़ें सीखती हूँ। वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उनके जैसे लाइफ को जीना सब लोगों की बस की बात नहीं होती है। थोड़ा सा उनके बारे में मैं बता देती हूँ। चैनल का नाम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि माय सिंपल लाइफस्टाइल, उसके अलावा भी उनका एक चैनल है माय सिंपल कुकिंग करके, विच इज़ रन बाय हर मदर इन लॉ। उनके हस्बैंड हैं जिनका नाम उज्जवल है, और उनकी जो सिचुएशन है, 6 ईयर्स बैक जब उनकी शादी से पहले ही मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसमें उनका जो, ही इज़ टोटली पैरालाइज्ड, ही इज़ टोटली बेड रिडन। तब से उनकी एक छोटी सी डॉटर है आयुष्मिता। तो इन सब चीज़ों को, ये उनकी एक फैमिली है, उनकी फैमिली में और भी लोग हैं, इतना मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी अभी। तो बेसिकली वो डेली लाइफ अपनी जो ब्लॉग्स शेयर करती हैं, तो मैं उनको तब से जो है देख रही हूँ। तो जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया, कुछ चीज़ें कमेंट में करी, ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं होता है, बट बहुत सारे लोगों के साथ, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, मीडियम लेवल के यूट्यूबर हैं, सबको नेगेटिविटी जो है देखनी पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग दैट सबके साथ होता है, सब करते हैं, तो नेगेटिव कमेंट करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, बकवास चीज़ें होती हैं। आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है किसी की वीडियो में, आप डेफिनेटली यू हैव अ राइट टू गिव फीडबैक। मैंने भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, इंस्पायर होती हूँ मैं उनकी वीडियो में। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है, तो मैं उनको कमेंट करके बताती हूँ कि आपको इस पार्ट पे तो इम्प्रूव कीजिए, कुछ इस तरह की वीडियोस लाइए, ये लाइए। आपके पास बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि जब हम एक यूट्यूब चैनल करते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, एक फैमिली की तरह हो जाते हैं हम। हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाना, और आप लोगों को भी शायद कुछ पसंद आता है हमारे चैनल में, तभी आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। YouTube एक फुल टाइम जॉब होती है, आप लोग हमारी सिर्फ 7-8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। हमें पूरा सेटअप रेडी करना होता है, हमें लाइटिंग देखनी होती है, हमें उसके पीछे एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद एक वीडियो आती है। तो एक YouTube जो है एक फुल टाइम जॉब होती है हम सब लोगों के लिए, इजी का। जिस तरीके से आप ऑफिस जाके काम करते हो, उसी तरीके से हम लोगों के लिए, जितने भी लोग फुल टाइम में यूट्यूब कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितने भी बड़े यूट्यूबर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए कोई आसान नहीं था कि 2-4 वीडियो बना के वो इस लेवल पे हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर, 40-50 लाख सब्सक्राइबर्स उनके पास आए हैं। बहुत मेहनत हुई है इस चैनल की। अगर बात करूँ माय सिंपल लाइफस्टाइल, ये पिछले 1.5-2 साल से जो हैं शी इज़ रनिंग दिस चैनल। इनिशियली उन्होंने आई थिंक एक बार अपने ब्लॉग में कहा था कि उन्होंने 100 वीडियोस अपलोड करने के बाद धीरे धीरे जो है शी स्टार्टेड गेनिंग सब्सक्राइबर्स। तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है,
और अब मैं कमेंट की अगर बात करूँ, कुछ कमेंट्स आए थे, एक दो सारे उन्होंने नहीं बताए थे। पहला जो सबसे ज़्यादा हर्टिंग जो मुझे मुझे लगा एज अ पर्सन कि तुम धंधा कर रही हो, तुम ये व्यापशा कर छो यूट्यूब इशे, मैं थोड़ा सा बंगाली यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स कि तुम जो है यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप यूट्यूब पर आके तुम एक बिज़नेस कर रही हो। जितने भी लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनकी ये इनकम होती है, एक फुल टाइम जॉब होती है जैसे मैंने आप लोगों को कहा, तो अगर वो कर रही हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? फ्री में तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आपको भी कुछ अच्छा लग रहा है वीडियो में, आप भी कुछ देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो पसंद आ रहा है, तभी तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो। आप कैसे कह सकते हो कि आप बिज़नेस कर रहे हो इस तरीके के यूट्यूब में आके? दूसरी पॉइंट, एक और चीज़ बोली थी कि आप सिंपथी से जो है चैनल ग्रो कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हो। अरे सिंपथी से कब तक कोई किसी को पसंद करेगा? एक हद तक आपने एक सब्सक्राइबर गेन कर लिया सिंपथी से, दो सब्सक्राइबर गेन कर लिए, लेकिन 1.5 लाख सब्सक्राइबर सिंपथी से गेन हो सकते हैं क्या? आप लोग इस चीज़ को मानते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। लोग जानते हैं कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करना आसान नहीं होता है, उनके उनकी हस्बैंड के जिस तरह से हालात हैं, उनका छोटा बेबी है, लेकिन उनके हस्बैंड को ज़्यादा केयर चाहिए होती है अपनी बेटी से ज़्यादा। वो कुछ खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खुद से उनको खाना खिलाती हैं, उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करना, एवरीथिंग वो कर रही है। इसके अलावा सिर्फ ये काम नहीं है उनके पास, वो अपने घर का काम कर रही हैं, उनको कुकिंग करनी होती है, उनकी छोटी सी डॉटर है जिनकी केयर करनी होती है। उसके बाद भी वो जब भी कैमरे पर आती हैं वो एक अच्छी सी स्वीट सी स्माइल लेके आती है। फिर आप कहते हैं ना कि एक इंसान को अगर आप उतना हंसते हुए देखते हो एवरीडे, सडनली वो एक उनकी आंखों में आंसू, तो वो अच्छा नहीं लगता एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये कमेंट आया कि सिंपथी वोट, आप सिंपथी से सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हो। एक और चीज़ उन्होंने बोली थी कि आप अपनी ब्रदर इन लॉ की इनकम पे जो है चल रहे हो, आप अपनी आपने अपनी जो है देवरानी को जो है अपने घर से निकाल दिया है क्योंकि आप सब कुछ ये सब करना चाहते हो। अरे ये सब चीज़ें करके क्या मिलता है आप लोगों को? सिंपल है, एक ब्लॉगिंग जो कर रहा है एक यूट्यूबर, अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने शेयर कर देता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या करता है, क्या जाता है, तो आप उसको उसको मोटिवेट करने की जगह आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट तक तो ठीक है, आप इतने भाईयात कमेंट कर रहे हो, मतलब क्या रीज़न है यार? प्लीज़ ये सब चीज़ें करना छोड़ दीजिए। मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी 3 वीक्स पहले कि ये चैनल पे उन्होंने ये वीडियो अपलोड की थी, तो तब से मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने अभी जस्ट अपना एक वीडियो शूट फिनिश किया है, मैं इमीडिएटली जो है मैं रख नहीं पाई मन में, मुझे लगा बात करना ज़रूरी है और शायद ये एक ज़रिया है जिन्होंने भी इस तरह के कमेंट किए हैं, काश ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए। नहीं पहुंचती है तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करके प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए। यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना करना आसान नहीं होता है, बहुत बहुत मेहनत लगती है, एक फुल टाइम जॉब की तरह होती है ये। तो प्लीज़ मेरा इतना ही मैसेज था, बस यही कहना था गाइस। थैंक यू सो मच इतनी देर मुझे सुनने के लिए, एंड थैंक यू अगेन, बाय बाय।